आकाश उठ उठ गया जिस काम से उस काम से पकड़ना हाँ सत्तु बिना करना लिंग लिंग पकड़ा मुंह सतु चालांग जीवा खिला खिला बुद्धि बुद्धि सत्तु सत्तु काम दा बरकत दे माई नो दे सत्तु को बिना कर मां यहां का डोमड़ा जा गौरी है ठीक है यहां मुर्दा मीट खाते है अभी ये बंद है अभी कार का चूल्हा चालू है अभी मुर्दा का मीट खाते हैं हां डोम राजा कौन है मेरा नाम है गोपाल डोम राजा गौरी सर्च कर ले देख पाएगा तू ओके मैंने काम किया ना यहां पे मैंने लाइफ जैकेट ले रखी ये रखी लाइफ जैकेट ले ली है पिछला मेरा जो सीरीज था ना वो था आदि कैलाश का और ठीक उस सीरीज को खत्म करने के बाद मैं चला आया हूँ एक शक्तिपीठ में तो इस वक्त मैं हूँ वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिले में मंदिर का नाम है तारापीठ तारापीठ एक्चुअली एक वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है तारापीठ और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये जो गली जाती है ये टेम्पल में जाती है और एक्चुअली मैं तारापीठ टेम्पल में पूजा कर चुका हूँ आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है और इस ब्लॉग को मैं स्पेशली आज शूट कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए फाइनली हम मंदिर के अभी सामने आ चुके हैं और मंदिर में बाहर से आपको दिखा देता हूँ मंदिर दिखता कैसे है ये जो टेम्पल दिख रहे हैं ये है मेन टेम्पल मंदिर का नाम है तारापीठ बट ये काली मंदिर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मंदिर है काली जी का बट नाम है तारा मंदिर उसका रीज़न क्या है तो रीज़न ये है जब माँ सती का 51 टुकड़ा जब हुआ था तो 51 प्लेसेस पे उनका शक्तिपीठ बना था तो उसमें से वन ऑफ द शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर जहाँ पे मैंने पहले ही जहाँ पे मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना चुका है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे है सो कामाख्या मंदिर भी एक वन ऑफ द शक्तिपीठ थी ठीक उसी तरह ये भी शक्तिपीठ है इस शक्तिपीठ का नाम है माँ तारापीठ सो जो तारापीठ है वो नाम तारापीठ इसलिए है क्योंकि जब 51 टुकड़ा हुआ था माँ सती का तो उनके आँख का जो तारा था वो यहाँ पे गिरा था दैट्स वाई इस मंदिर का नाम है तारापीठ मंदिर के साथ ही साथ मंदिर के सामने एक शमशान भी है मंदिर जितना फेमस है ना उतना ही फेमस शमशान भी है तो देख सकते हैं ये जो हम यहाँ खड़े हैं ना ये शमशान ही है शमशान के ऊपर माँ काली का तस्वीर है और यहाँ पे ये शमशान है कब से हैं बाबा यहाँ पे छोटे से हैं हाँ यहाँ का डोम राजा गौरी है ठीक है यहाँ मुर्दा मीट खाते हैं अभी ये बंद है अभी कार का चूल्हा चालू है अभी मुर्दा का मीट खाते हैं हाँ डोम राजा कौन है मेरा नाम है गोपाल डोम राजा गौरी सर्च कर ले देख पाएगा तू ओके ठीक है तू जब मुर्दे लाश चलेगा तो आ जाना देख पाएगा मुर्दा मीट खाते हैं अगौरे यहाँ का अगौरी यहाँ के मुर्दा का मीट खाते हैं हाँ अगौरे डोम राजा अगौरे हम अब डोम राजा अगौरी है हाँ ऊपर ये जो है ना ये एक तरह का ओवन है जहाँ पे लास्ट पास जलता है आई थिंक यही है ना हाँ ओवन है ऊपर देख सकते हैं लास्ट पास जलता है और ये आराम से इसके ऊपर सोए हुए हैं नॉर्मल इंसान तो हम यहाँ पे सोने के लिए यहाँ पे शमशान में लोग आने से ही डरते हैं बट ये देखिए यहाँ पे आराम से यहाँ पे लेटे हुए हैं इतना आराम तो हम अपने घर में भी नहीं करते हैं जितना आराम से यहाँ पे ये सोए हुए हैं ये इनका बिस्तर है और ये देखिए जो लाश जला हुआ है उसका जो राख है उस राख को आप अभी भी देख सकते हैं ये राख वो जो आप देख रहे हैं ना इस तरफ जो ब्लैक कलर का एस दिख रहा है वो एक्चुअली में राख है यहाँ पे जो लाश जलती है ना आप देख सकते हैं ये लाश जलने का स्थल तो आपको दिखाई दे रहा है तो लाश जलने के बाद जो राख होता है ना उस राख को वहीं पे
फेंका जाता है, उस राख को वहीं पर फेंका जाता है। उस राख के ऊपर भी माँ काली का तस्वीर है, जो मैं नज़दीक से जाके आपको दिखाऊँगा। हमको नहीं उठना पड़ेगा इधर उठा। ये देख सकते हैं जो ये ऐश है ना, ये यहाँ का राख है। लाश जलने के बाद जो ऐश है उस ऐश को यहीं पे लाया जाता है। दीप बना हुआ है, लाश को देखा ये। और ये जो ऐश का एक पहाड़ टाइप का बन गया है, टीला टाइप का बन गया, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर ही माँ काली का यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है, और यहाँ पे माँ काली का पूजा आराधना भी हो सकता है। और इसके ठीक नीचे एक रिवर भी आप देख सकते हैं बाबा। उस रिवर का नाम क्या है? नदी दराका नदी, दराका नदी उत्तर वाहिनी, दराका नदी उत्तर वाहिनी। सो इंडिया में जितनी सारी नदियाँ ना वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, बट ये वो नदी है ना वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, मतलब उल्टी बहती है। तो ये एक तरह का वन ऑफ द वंडर है यहाँ का। और जैसा कि वीडियो का टाइटल था काला जादू, सो बहुत लोग यहाँ पे काला जादू भी करवाने आते हैं। किसी को अगर किसी भी तरह का समस्या है तो वो तंत्र की सहायता से यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकालने आते हैं, क्योंकि ये जो तारापीठ है ना ये तंत्र का मंदिर है। कुछ बोलेगा नहीं वहाँ पे? नहीं बोलेगा यार। ले लो सुलम स्थान में ले, जो कुछ ले सुलम स्थान में ले। सो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस टेंपल में आना चाहिएगा तो आप कैसे आइएगा। अगर आप मतलब मैं ऐसे तरीके से बताता हूँ कि आप इंडिया में अगर आप कहीं भी हो आप वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना वो है रामपुर हाट। तो रामपुर हाट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। तो अगर आपको तारापीठ आना हो तो आप रामपुर हाट उतर सकते हैं, और फिर रामपुर हाट से लोकल ट्रांसपोर्ट लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बिगेस्ट जो टाउन है वो कोलकाता ही है आसपास में, अगर बोले तो। अगर आप कोलकाता से आते हैं तो यहाँ पे बाई रोड भी आ सकते हैं। कोलकाता से यहाँ का बाई रोड अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ तो वो है 222 किलोमीटर, 222 या 224 किलोमीटर के आसपास में ये पड़ता है। और ये इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट है वीरभूम, वेस्ट बंगाल के वीरभूम के डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और यहाँ पे रिवर भी है, चूँकि शमशान है, शमशान के पास में एक रिवर होता है जहाँ तक कि मुझे पता है। तो ये रिवर का रिवर भी है पास में। दारू जरूर रोज पीते हैं? रोज नहीं, करम का टाइम पीता हूँ। करम का टाइम पीता हूँ। करम का टाइम पीते हैं? कितना साल से आप यहाँ पे? छोटा से यहीं पे है। हाँ, घर कहाँ है? यहाँ पर ही। आपका मम्मी पिताजी है? इधर ही है। इधर ही है, पापा गुजर गए, मम्मी बस को गए, यहाँ पर सोते हैं। हम इधर ही जल रहे ना। हाँ, पापा सोते हैं। अच्छा, देगा देगा पूरा दे रहे हो? अरे लीजिए लीजिए, रखिए देना आते दारों को दाम। मुर्दा का मीट आप खा रहे हैं? आप ही, आप ही। मैं ना गोपाल डोमजा गौरी मेरा नाम है। वीडियो तो फोटो, आप ही मीट खा रहे हैं मुर्दा का? एक फोटो लेते हैं बाबा के साथ। सो जैसे कि मैंने बताया, मंदिर जितना फेमस है ना, मंदिर के सामने जो शमशान है वो शमशान भी उतना ही फेमस है। और वो शमशान फेमस क्यों है? क्योंकि किसी को अगर मान लीजिए तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी पूजा या हवन करवाना होता है तो वो यहीं पे आके अपना पूजा हवन तंत्र मंत्र जो भी करना हो तो वो यहीं पे करते हैं। चूँकि मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके मुझे लगा कि इस चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए बोल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वो एरिया है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। मंदिर काफ़ी अच्छा है, मंदिर कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बता दिया हूँ। इसके ठीक पहले मेरी आदि कैलाश की यात्रा चल रही थी, उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो आपको अगर बोर लग रहा होगा ना तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि तारापीठ जो हम जहाँ पे घूमे थे, मतलब जहाँ पे हम गए थे दर्शन किए थे, उस तारापीठ के आसपास में ही एक और प्लेस है जहाँ पे आप नेचर ब्यूटी ले सकते हैं, देख सकते हैं। लिटरली ये सीन यहाँ पे दिखती है। सो मैं वीडियो बोर ना हो जाए तो दैट्स वाई मैं क्या किया, हम सुबह सुबह वापस तारापीठ गए थे, वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास में एक प्लेस पे आ गए। उस प्लेस का नाम है मैसेंजर, मैसेंजर नॉट वो फेसबुक वाला मैसेंजर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हम आ गए मैसेंजर और यहाँ पे बेसिकली एक डैम है, पहाड़ है, छोटे छोटे हिल्स है और यहाँ पे ये लाइफ जैकेट मैंडेटरी है। हम यहाँ पे पांच लोग यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनना इज मैंडेटरी। ओ बाय, ओ
ऐसे कैसे इंडिया के फ्लैग को लहराने नहीं देंगे, लहराना तो है भाई, अपना इंडिया का फ्लैग है भाई। शुरू कर, चालू कर जनरेटर। सर्च कर लीजिए घुमक्कर दोस्त, यूट्यूबर है आपको, आप अपना नाम नंबर दे दीजिए, इधर बंदा लोग आएगा आपको कांटेक्ट करेगा। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ यहाँ पे हिल ट्रैक्स है, यहाँ पे हिल ट्रैक्स है, वहाँ पे हिल ट्रैक्स है, और चारों तरफ हिल ट्रैक्स है, और बेसिकली यहाँ पे एक लेक है। मैं पीछे जा रहा हूँ, मैंने काम किया ना, यहाँ पे मैंने लाइफ जैकेट ले रखी, ये देखो लाइफ जैकेट ले ली। झारखंड में खत्म कर रहा हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड।